जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप सबका एस गैंग टीवी पर। मेरे प्रियो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में फ्री फायर के बारे में कुछ बातें आपको बताई थी कि वहाँ पर शैतानिक चिन्ह हैं। तो उस वीडियो के नीचे बहुत लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी के बारे में बताने को कहा था कि वहाँ पर शैतानिक निशान है या नहीं। तो कॉल ऑफ ड्यूटी की वीडियो बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले मैं पबजी की वीडियो लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पबजी में शैतानिक निशान है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यीशु मसीह की जय हो। एक बार फिर से मैं आपके सामने पबजी की सच्चाई लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने पबजी के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने केवल एक ही चीज़ दिखाई थी आपको, एक ही सिंबल दिखाया था शैतान का। लेकिन आज की वीडियो में हम एक से ज़्यादा चिन्ह देखने वाले हैं शैतान की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मसीह में मेरे प्रियो, जब आप मैच के लिए इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर आपको ये टूटा हुआ प्लेन दिखाई देता है, अगर आप उस टूटे हुए प्लेन के पूंछ में ध्यान से देखेंगे तो उसके पूंछ में आपको ये बिजली की निशानी दिखाई देगी दोनों तरफ। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये बिजली जो है ये शैतान का निशान होता है, और इसे जादू टोने में भी शैतान के पुजारी इस्तेमाल करते हैं, यानी काले जादू टोने में भी। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बिजली शैतान का चिन्ह कैसे हुआ, मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि ये शैतान का चिन्ह है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप बाइबल लूका 10:18 पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु ने कहा है कि मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखता हूँ। तो ये शैतान के पुजारियों ने क्या किया, इन्होंने ये जो बिजली है इसको शैतान का चिन्ह बना दिया है। और भी बहुत सारे चिन्ह हैं शैतान के। मेरे प्रियो, मैं ऐसे ही इस बिजली को शैतानिक चिन्ह नहीं बोल रहा। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि शैतान के पुजारी बिल्कुल ऐसा ही पेंटाग्राम का लॉकेट पहनते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप इस तस्वीर पर गौर करें और आप इसके लॉकेट को अगर ध्यान से देखें, शैतान के पुजारी के लॉकेट को अगर ध्यान से देखें, तो आप उसमें देखेंगे उसके बीच में बिजली का निशान बना हुआ है। और मेरे प्रियो, ये बिजली का निशान ऐसे ही नहीं बना हुआ है। मेरे प्रियो, ये शैतान के पुजारी, जैसा कि मैंने कहा कि यीशु ने कहा था कि मैं शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देखता हूँ, तो ये शैतान के पुजारियों ने उसको भी शैतान के बहुत सारे चिन्हों में से एक चिन्ह बना दिया। मेरे प्रियो, ये चिन्ह इतना फेमस है, उदाहरण के तौर पे, मेरे प्रियो, आपने बहुत साल पहले हैरी पॉटर मूवी जरूर देखी होगी, और आपने देखा होगा उस हैरी पॉटर में जो हैरी होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, हीरो, उसके सर में एक चिन्ह होता है जो बिल्कुल हूबहू बिजली का चिन्ह है। मेरे प्रियो, ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है कि हैरी के माथे में जो चोट है वो बिल्कुल शैतान का निशान है, जो कि बिजली का निशान है। और ये जो सीक्रेट है, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ मेरे चैनल के द्वारा। अगर प्रभु ने चाहा तो हैरी पॉटर मूवी के ऊपर भी मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊँगा। प्रभु की मर्जी है, आप लोग प्रार्थना में ज़रूर याद कीजिएगा। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंटरनेट में पेंटाग्राम लॉकेट सर्च करते हैं या ढूंढते हैं तो ये पेंटाग्राम लॉकेट आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। लेकिन आप इस पेंटाग्राम लॉकेट को खरीदिए मत, क्योंकि ये जो लॉकेट है ये जादू टोने वाला लॉकेट है, जो आपको भलाई नहीं करेगा आपके जीवन में, बल्कि आपके जीवन में और भी बुरा परिस्थिति बनाता जाएगा आपका। तो इससे जितना हो सके उतना दूर रहने में ही आपका भलाई है। और ये जो पेंटाग्राम जो साइन है, ये खुद में ही जादू टोने का साइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मेरे प्रियो, अगर आप इस पबजी के कैरेक्टर पे ध्यान दें, मेरा मतलब ये जो बीच वाला कैरेक्टर है, अगर आप ध्यान से देखें उसके छाती में क्या बना हुआ है, तो आप जान पाएंगे कि उसके छाती में शैतान ट्रायंगल यानी त्रिकोण बना हुआ है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो मेरे प्रियो, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये शैतान के पंख हैं, और जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा त्रिकोण, आपको दिखेगा। मेरे प्रियो, जो जादू टोने में इस्तेमाल होने वाले चीज़ें इस गेम में क्यों हैं, पबजी में हैं, और मैंने आपको फ्री फायर में भी दिखाया था,
क्यों है? क्योंकि ये लोग जादू टोने के द्वारा हमारे दिमाग को बुरा बनाते जा रहे हैं, हमारा गुस्सा बढ़ाते जा रहे हैं, हमें एक बुरा इंसान बनाते जा रहे हैं। इस युवक को मोबाइल गेम की लत लग चुकी थी। वह चाहता था कि उसके पिता मोबाइल का रिचार्ज करवाए जिससे वो गेम खेल सके। इस वजह से पिता और पुत्र के बीच झगड़ा भी हुआ। इसके बाद युवक ने अपनी माँ को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और फिर पहले अपने पिता का पैर काट दिया। युवक पर आरोप है कि इसके बाद उसने अपने पिता शिखर अप्पा रेवप्पा कुंभर का सिर धड़ से अलग कर दिया। मनोवैज्ञानिकों को और मनोचिकित्सकों को इस बात की चिंता हो रही है कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते रहे हैं। डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि उनके क्लिनिक में 10 में से 7 या 8 लोग तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल से परेशान होने वाले आते हैं। डॉक्टर कुलकर्णी कहते हैं जब इन मरीजों को कहा जाता है कि वो गेम ना खेले तो इससे उन्हें परेशानी होने लगती है, वो हिंसक हो जाते हैं और तनाव में चले जाते हैं। डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि लत के शिकार लोगों को एक झटके में मोबाइल से दूर कर देना असंभव है। ऐसे लोगों को धीरे धीरे जागरूक किया जाना चाहिए, उन्हें काउंसलिंग देनी पड़ती है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि तकनीक बुरी चीज नहीं है लेकिन उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल खराब होता है। तो देखा आपने किस तरह से ये काले जादू के मदद से हम लोगों को बुरा बनाते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं, हमें परमेश्वर से दूर रख रहे हैं। ये इनका सबसे बड़ा मकसद है कि हम परमेश्वर से दूर रहें, किसी और चीजों में ध्यान देते रहें, परमेश्वर पे ध्यान ना दें। और मेरे प्रियो, शैतान के पुजारी आज भी जीवित हैं और आज भी वे लोग शैतान को बलि चढ़ाते हैं। गाय बछड़ा हो गया या भेड़ हो गए, बकरी हो गए। तो बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कई भेड़ पाए गए जिन्हें गला काट के मारा गया था और उनके ऊपर शैतानिक चिन्ह मिले। तो ये बात साबित करती है कि शैतान के पुजारी आज भी जीवित हैं और आज भी वे शैतान को पूजते हैं और शैतान को बलि चढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोलंबिया में शैतान का चर्च है, शैतान का मंदिर है? मेरे प्रियो, जहाँ पर ये इंसान खड़ा है, शैतान का पुजारी, आप ध्यान से देखिए वो जगह, ये काले जादू में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। और बिल्कुल ऐसा ही आप पबजी में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये जो घास है, इस घास को आप ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह ही पेंटाग्राम है जैसा कि काले जादू में इस्तेमाल करते हैं शैतान के पुजारी। तो पबजी में आप ये पेंटाग्राम जो काले जादू में इस्तेमाल होता है, इन घासों में आप देख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जाके देखिए। पबजी में कुछ समय पहले जंगल एडवेंचर मैप आया था। उस मैप में आपको कुछ मूर्तियां मिलती हैं जिसकी आपको पूजा करनी होती है और कुछ फल आपको मिलते हैं जिसको खाने से आपको कुछ शक्तियां भी मिलती हैं और कभी कभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, यानी आप में मृत्यु प्रवेश हो जाती है। तो मेरे प्रियो, ये बाइबल की कहानियों को कॉपी कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा जब ये फल खाएगा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप देखते रहिएगा, देखिए अब ये फल खाएगा, देखिए ये फल खा रहा है और अभी इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखा आप, तबीयत खराब हो गई है अभी। और ये क्या है, ये आदम और हवा की वो कहानी है, जब आदम और हवा वो फल खाते हैं तब उनमें मृत्यु प्रवेश हो जाती है। कभी कभी आपको शक्तियाँ मिलती है, यानी वो आदम और हवा को जो ज्ञान, भले और बुरे का ज्ञान मिला था, उसी बारे में रिलेटेड है। तो मेरे प्रियो, अभी देखिए यहाँ पर आपको मूर्ति पूजा भी सिखाई जा रही है जो कि बिल्कुल बाइबल के शिक्षा के विरुद्ध है। देखिए ये किस तरह से मूर्ति पूजा कर रहा है और ये बिल्कुल आप अनजाने में ही मेरे प्रियो इस गेम के द्वारा मूर्ति पूजा कर बैठते हैं और जो कि बिल्कुल गलत है, पाप है। आपको ये गेम से सावधान होना बहुत ज़रूरी है। तो गेम में क्या होता है, आप मूर्तियों के पास जाते हैं और पूजा करते हैं। दरअसल ये मूर्तियाँ शैतान हैं मेरे प्रियो, शैतान के चिन्ह हैं और दुष्ट आत्माओं के चिन्ह हैं। ध्यान से देखिए उस मूर्ति के बीच में क्या बना हुआ है, शैतान। मेरे प्रियो ये शैतान है। तो आप अनजाने में ही शैतान की पूजा कर रहे होते हैं, इसलिए आपको इस गेम से अलग रहने में ही फ़ायदा है। जंगल एडवेंचर मैप में आपको हॉट एयर बैलून मिलेगा जहाँ पर आप ट्रायंगल यानी त्रिकोण और शैतान की छाप यानी शैतान देख सकेंगे। तो मेरे प्रिय, ये गेम आपको किस तरफ लेके जा रहा है, स्वर्ग की तरफ या नर्क की तरफ? और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बड़ा सबूत। पबजी में जब आप किसी घर में घुसते हैं तब आप किसी डब्बों में अगर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक आँख
शैतान ऊपर शैतान और आंख के ऊपर ट्रायंगल यानी त्रिकोण देखने को मिलेगा। पहले ये हर डिब्बों में होते थे, हर घर के डिब्बों में, लेकिन आजकल शायद इन्होंने ये डिब्बे बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि मैंने देखा खुद। हाँ, मैं ये पबजी गेम खेलता था। और फिलहाल आप, मैं अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, लेकिन आप देखिए ऊपर शैतान है, उसके सींग आप देख पा रहे हैं, और आप उससे ज़रा थोड़ा सा अगर नीचे देखेंगे तो आपको ट्रायंगल यानी त्रिकोण देखने को मिलेगा, और साइड साइड में आपको देखिए दुष्ट आत्माएं देखने को मिलेंगी, और आँख आप देखिए, ये आँख शैतान की आँख है मेरे प्रियो। और ये एक आँख क्यों दिखाते हैं, जैसे कि मैंने अपने फ्री फायर वाले वीडियो में कहा कि शैतान बुराई को भी भलाई देखता है और भलाई को भी भलाई देखता है, तो ये एक तरफा देखता है, तो इसीलिए शैतान के आँख को एक आँख ही दिखाई जाती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पबजी खेलता था या नहीं, तो जी हाँ, मैं पबजी लाइट खेलता था, क्योंकि पबजी मोबाइल मेरे फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता था, बहुत लैग करता था, अटकता था, और मैं पबजी लाइट स्मूथ चलता था, तो पबजी लाइट बहुत खेलता था। और हर बार जब मैं ये गेम खेलता था, गेम खेलने के बाद में शाम को जब मैं प्रार्थना करता था, सोने से पहले मैं मेरी आदत है, मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ, तो जब मैं प्रार्थना करने बैठता तो मेरे मन में हर बार ये एक आवाज़ आती और पवित्र आत्मा मुझसे कहता कि तू जो कर रहा है, तूने आज का पूरा दिन वेस्ट कर दिया, आज के दिन तू परमेश्वर का काम करता तो कितना अच्छा होता। तो मेरे प्रियो, सच में ये बात बहुत सच है कि हमें अपना दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम इस पृथ्वी में कितने दिन हैं किसी को नहीं पता, केवल परमेश्वर जानता है। जितने भी दिन बचे हैं हमें परमेश्वर का काम करना चाहिए, ना कि हमें गेम खेल के वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम। तो मेरे मन में ये सवाल आता था, तो मैं उस गेम को अनइंस्टॉल कर देता था, और फिर दो तीन दिन बाद में फिर से मेरे को बोरिंग लगता और मैं फिर से इंस्टॉल कर लेता, और ऐसे करते 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 इंस्टॉल अनइंस्टॉल इंस्टॉल अनइंस्टॉल ऐसे करते करते लगभग 30-40 बार तो मैं ये कर चुका था। मेरे को इंटरनेट का परेशानी नहीं था, क्योंकि मेरे घर पे वाईफाई है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी उसको बार बार इंस्टॉल करने में। तो ये चलता रहा, और मैं साथ में प्रार्थना भी करता रहा, प्रभु मुझे इस गेम से छुटकारा दीजिए, ये बहुत एक नशा है, ये गेम का भी एडिक्शन है, तो ये बहुत बुरा नशा मुझे था, ये गेम का नशा एडिक्शन था। तो इंसान को केवल दारू वारू ये वो सिगरेट बीड़ी और क्या कहते हैं वो ड्रग्स वगैरह का खाली नशा नहीं होता, इंसान को कोई भी चीज़ अगर इंसान ज़्यादा करे तो उसे एडिक्शन कहते हैं। ये गेम भी एक एडिक्शन है मेरे प्रियो, और जादू टोने के जरिए ये ऐसा एडिक्शन ये हम पे डाल देता है कि हमको इसके बिना कुछ मज़ा ही नहीं आता लाइफ में। तो मैं इतना ज़्यादा खेलने लगा और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे छुटकारा दो। और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी और इस गेम को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन इस बार मैंने इसीलिए इंस्टॉल किया कि मैं आप लोगों को वार्निंग दे सकूँ, यानी कुछ थोड़ा सलाह दे सकूँ, वार्निंग नहीं कहूँगा, सलाह दे सकूँ कि ये गेम बहुत बुरा है, क्योंकि मैं ये बहुत सालों से खेल रहा हूँ, लगभग कितना होगा पता नहीं, लेकिन जब से ये गेम शुरू हुआ है तब से मैं ये गेम खेल रहा हूँ, तो इसीलिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं अभी यही वीडियो बनाने के बाद इसको फिर से अनइंस्टॉल कर दूंगा और इस बार नहीं खेलने वाला, क्योंकि अभी परमेश्वर मेरे साथ है और मैंने प्रार्थना बहुत की है। तो आप भी प्रार्थना कीजिए, आपको भी परमेश्वर ज़रूर छुटकारा देगा इस गेम से। और मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सी बातें सीखने को मिली हैं, और जैसा कि आपने देखा न्यूज़ में, मैंने आपको दिखाया था वो एक क्लिप कि किस तरह से अपने पिता को काट दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। तो ये गेम इंसानों को दिन ब दिन हिंसक बनाता जा रहा है। तो मैं आपसे विनती करूँगा, प्लीज़ इस गेम को ना खेलेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मत खेलिए, लेकिन बस एक सुझाव, एक भाई की तरह आप मुझे सोचिए कि मैं आपको बस एक सुझाव दे रहा हूँ कि नहीं खेलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। और यदि आप सोच रहे हैं कि पबजी तो बैंड हो गया है, फिर भाई क्यों बोल रहे हैं कि मत खेलिए, मेरे प्रियो पबजी बैंड हुआ है लेकिन अभी भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है, और अभी भी इसको VPN द्वारा चलाया जा सकता है अपने फ़ोन में, और VPN द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो डाउनलोड मत करना, मैंने अब सिखा दिया आपको, वो मुझे नहीं सिखाना चाहिए था, लेकिन मेरा मकसद ये है कि देखिए अभी भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है और अभी भी खेल रहे हैं इसको लोग। मैं खुद खेल रहा था कुछ दिन समय, और ये वीडियो बनाने के लिए कुछ क्लिप्स चाहिए थी तो मैंने इस्तेमाल किया, मैं झूठ नहीं कहूँगा।
मैंने इस्तेमाल किया, पबजी खेला। लेकिन इस बार मेरा पबजी इंस्टॉल करने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को सुझाव दे सकूं और आप लोगों को बता सकूं, क्योंकि मुझे कुछ क्लिप्स चाहिए थी और वो मैं दूसरे के वीडियो यूज़ करने से भी ज़्यादा मैं खुद कर सकता था। एक बात बताना भूल गया, जो वो मैप आया था जंगल एडवेंचर मैप जिसमें मूर्ति की पूजा की जाती है, वो मैप कई लोगों ने विरोध किया उस मैप के ऊपर कि ये तो शैतान की मूर्ति की हम पूजा क्यों कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो मैप हटा दिया गया है। तो ये अच्छी बात है। और ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आशा करता हूँ आप भी इस गेम को अनइंस्टॉल कर देंगे। मैं भी अब ये वीडियो बनने के बाद गेम को अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय मसीह की।